हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो में भी मेरे पास आपके लिए ऑल इलीट रेसलिंग से जुड़े हुए बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए। क्योंकि गाइज, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोडी रोड्स को कब और कैसे आया था हार्ट अटैक। WWE सुपरस्टार एज ने भी बताया है कि कैसे उन्हें ऑल इलीट रेसलिंग के एक सुपरस्टार से जिंदगी की बहुत ही बड़ी सीख मिली है। AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा और MJF ने भी अपने ड्रीम मैचेस बताए हैं कि वो अपने रेसलिंग करियर में किस रेसलर के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं। AEW ने फिर एक बार चैरिटी करना शुरू कर दिया है और AEW के 1 ईयर एनिवर्सरी के ऊपर बात करते हुए TNT नेटवर्क के ऑफिशियल्स ने AEW के ऊपर अपने थॉट शेयर किए हैं। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार केनी ओमेगा और MJF ने अपने ड्रीम अपोनेंट्स के बारे में बात करते हुए क्या कहा। तो गाइज, हम सब तो रेसलिंग इंडस्ट्री में अपने ड्रीम मैचेस बताते ही रहते हैं कि हम रेसलिंग इंडस्ट्री में किस रेसलर का मैच किस रेसलर के अगेंस्ट देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जहां पर हमने ऑल इलीट और WWE के बीच के रेसलर्स के ड्रीम मैचेस के बारे में बात की है। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइज, आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें केनी ओमेगा की, तो गाइज, हाल ही में हुए केनी ओमेगा के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने केनी ओमेगा से सवाल पूछा था कि केनी ओमेगा का ऑल इलीट रेसलिंग के बाहर ड्रीम मैच कौन सा है, जिसके ऊपर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा ऑल इलीट रेसलिंग के बाहर हर किसी रेसलिंग प्रमोशन के लिए काम कर चुके हैं। पर यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने बताया कि केनी ओमेगा ने WWE कभी नहीं ज्वाइन की, जबकि केनी ओमेगा के बहुत सारे फ्रेंड्स WWE कंपनी के लिए काम करते हैं। इसलिए ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी के बाहर केनी ओमेगा का WWE सुपरस्टार के अगेंस्ट एक ड्रीम मैच है, जो मैच लड़ने के लिए केनी ओमेगा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और यही पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने बताया कि केनी ओमेगा का WWE के अंदर ड्रीम मैच किसी और के साथ नहीं, बल्कि उनके WWE के काफी अच्छे फ्रेंड जेवियर वुड्स की फैक्शन न्यू डे के अगेंस्ट है। और यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने बताया कि अगर केनी ओमेगा को अभी चांस मिला तो गाइस, केनी ओमेगा WWE के अंदर WWE की एक बहुत ही बड़ी फैक्शन न्यू डे के अगेंस्ट एक मैच रेसल करना चाहेंगे। और इस मैच के लिए तो केनी ओमेगा बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज तक केनी ओमेगा ने सिर्फ वीडियो गेम कंपटीशन में न्यू डे के अगेंस्ट एक फाइट की है। पर केनी ओमेगा चाहते हैं कि केनी ओमेगा न्यू डे के अगेंस्ट एक एक्चुअल रेसलिंग मैच रेसल करे, जहां पर एक तरफ न्यू डे और दूसरी तरफ द एलीट हो, जो बात केनी ओमेगा ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में शेयर की है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप द एलीट वर्सेस न्यू डे मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस, जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MJF की और जानते हैं कि MJF ने क्या कहा अपने ड्रीम मैच को लेकर, तो गाइस, इसी तरह हाल फिलहाल में MJF भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक Q&A सेशन कर रहे थे, जहां पर MJF ने फैंस से कहा था कि अगर फैंस कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फैंस MJF से वो सवाल पूछ सकते हैं। जिस Q&A सेशन में एक फैन ने MJF से पूछा कि MJF का ऑल इलीट रेसलिंग के बाहर किस रेसलर के अगेंस्ट एक ड्रीम मैच है, जिस सवाल का जवाब देते हुए MJF ने ट्वीट कर बताया कि अगर MJF ऑल इलीट रेसलिंग के बाहर किस रेसलर के अगेंस्ट एक मैच रेसल करना चाहते हैं, तो गाइस, वो मैच होने वाला है MJF वर्सेस एडम कोल। और यहाँ पर बेटर देन यू वर्सेस बेबी ए ट्वीट कर MJF ने क्लियर कर दिया है कि MJF का ऑल इलीट रेसलिंग के बाहर ड्रीम अपोनेंट कोई और नहीं, बल्कि फॉर्मर NXT चैंपियन एडम कोल है। और यहाँ पर MJF WWE के बाहर एडम कोल के अगेंस्ट एक मैच रेसल करना चाहते हैं, जो चीज अगर रियल लाइफ में पॉसिबल हो पाती है तो गाइज, ये चीज बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि गाइज, क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि कैसे ऑल इलीट रेसलिंग ने दोबारा से चैरिटी शुरू कर दी है। तो गाइज, आपको पता होगा कि बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कंपनी का कुछ प्रॉफिट चैरिटी में दान करती है, जिससे कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी हो सके और उस कंपनी की इमेज भी अच्छी खासी बनी रहे, जो चीज देखी जाए तो रियल लाइफ में काफी अच्छी है। और ऐसे ही ऑल इलीट रेसलिंग भी बहुत सारी चैरिटीज करती है। पर हाल ही में ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने शॉप AEW ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर बताया कि हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी चैरिटी करने वाली है, और हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग का जितना भी शॉप AEW का प्रॉफिट होने वाला है, वो पूरा प्रॉफिट ऑल इलीट रेसलिंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए चैरिटी में देने वाली है, जो बात हाल ही में ऑल इलीट रेसलिंग ने ट्वीट कर बताई है। जिससे हम देख सकते हैं कि गाइज, ऑल इलीट रेसलिंग ने दोबारा से चैरिटी करना शुरू कर दिया है, और ये चीज सोशल लाइफ के साथ साथ ऑल इलीट रेसलिंग के लिए भी काफी अच्छी है, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट की मदद भी हो जाएगी और AEW कंपनी की भी काफी अच्छी इमेज बन जाएगी। जिस चीज के ऊपर आप क्या सोचते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज, जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि AEW के 1 ईयर एनिवर्सरी के ऊपर बात करते हुए TNT नेटवर्क के ऑफिशियल्स ने ऑल इलीट रेसलिंग के बारे में क्या कहा। तो गाइज, आपको पता होगा कि हाल ही में ऑल इलीट रेसलिंग की 1 ईयर एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका मतलब कि अब ऑल इलीट रेसलिंग को TNT नेटवर्क पर आने के बाद 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और इसी चीज के ऊपर बात करते हुए TNT नेटवर्क के ऑफिशियल्स ने ऑल इलीट रेसलिंग के ऊपर अपने कुछ थॉट शेयर किए हैं। और यहाँ पर AEW कंपनी के बारे में बात करते हुए TNT नेटवर्क के ऑफिशियल्स ने कहा कि TNT नेटवर्क ऑल इलीट रेसलिंग से काफी ज्यादा खुश है, और जितना कि TNT नेटवर्क ने ऑल इलीट रेसलिंग से एक्सपेक्ट किया था, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से ऑल इलीट रेसलिंग ने यहाँ पर परफॉर्म कर दिखाया है। जहाँ पर TNT नेटवर्क को लगता था कि ऑल इलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप करीब करीब 500K व्यूअर्स आ सकती है, वही देखा जाए तो ऑल इलीट रेसलिंग की फर्स्ट ईयर की व्यूअरशिप एवरेजली 800,000 व्यूअर्स के आसपास रही है, जिससे कि TNT नेटवर्क बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि TNT नेटवर्क को ऑल इलीट रेसलिंग की तरफ से बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। पर इससे भी ज्यादा TNT नेटवर्क इस चीज से खुश है कि गाइस, इस पैंडेमिक के चलते भी ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने शोज कंटिन्यू किए हैं,
जबकि TNT नेटवर्क पर आने वाले काफी सारे शोज बंद हो चुके थे और लोगों को बाकी टीवी शोज के नए नए एपिसोड देखने को नहीं मिल रहे थे। पर गाइस फिर भी इस पैंडमिक के चलते ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने शोज प्रोड्यूस किए हैं, जिस चीज से TNT नेटवर्क पर फ्रेश कंटेंट आ रहा था। इसीलिए भी TNT नेटवर्क ऑल इलीट रेसलिंग से काफी ज्यादा खुश है, जो बात TNT नेटवर्क ने ऑल इलीट रेसलिंग के फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी के ऊपर बात करते हुए कही है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइस TNT नेटवर्क ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी से बहुत ज्यादा खुश है। और जितना भी TNT नेटवर्क ने AEW से एक्सपेक्ट किया था, उससे भी कहीं ज्यादा TNT नेटवर्क को AEW से मिला है। तो इस चीज से TNT नेटवर्क तो बहुत ज्यादा खुश है। तो प्रोबेबली TNT नेटवर्क ऑल इलीट रेसलिंग से खुश होकर ऑल इलीट रेसलिंग एक और नया टीवी शो लॉन्च कर सकते हैं, जिसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो गाइस आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर यही अपने कुछ थॉट्स TNT नेटवर्क ने ऑल इलीट रेसलिंग के बारे में शेयर किए हैं, जो चीज तो ऑल इलीट रेसलिंग के लिए काफी पॉजिटिव है। और मैं तो होप करूंगा कि आगे भी TNT नेटवर्क ऑल इलीट रेसलिंग से ऐसे ही खुश हो, जिससे कि TNT नेटवर्क और AEW इन दोनों का ही फायदा हो सकता है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के कौन से सुपरस्टार ने एज को जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी सीख दी है। तो गाइस आपको पता होगा कि एज WWE कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, पर अपने इंजुरी के चलते अब एज WWE की टेलीविजन पर अपीयर नहीं हो रहे। और अपने इसी इंजुरी के दौरान एज ने एक इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में बात करते हुए एज ने एक स्टोरी शेयर की है, जहां पर एज ने बताया कि कैसे ऑल इलीट रेसलिंग के एक सुपरस्टार से एज को जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी सीख मिली है। और यहां पर बात करते हुए एज ने कहा कि जब एज यंग थे और वो रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरस्टार से सीख रहे थे, तब एज अपने एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग मैच में परफॉर्म कर रहे थे, जहां पर वो एक आदमी से मिले जिसका नाम था डॉक्टर लूथर, जो कि अब ऑल इलीट रेसलिंग के लिए काम करते हैं, जिनसे एज को जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी सीख मिली है। और जब उस इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी में एज और डॉक्टर लूथर का मैच हो रहा था, तब वो मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच था, जहां पर उस मैच में एज और डॉक्टर लूथर को एक स्पॉट करना था, जिस स्पॉट के बारे में एज और डॉक्टर लूथर ने बैकस्टेज में बात कर ली थी। और जब मैच शुरू हुआ, तब मैच के अंदर जाने के बाद ही एज ने डॉक्टर लूथर के ऊपर स्पॉट करने के लिए तैयारी की। पर एज ने बताया कि तब डॉक्टर लूथर ने एज को समझाया था कि ये स्पॉट इस मैच का एक बहुत ही बड़ा स्पॉट होने वाला है और हमें इस स्पॉट को मैच के आखिर तक बचा कर रखना है, जो बात डॉक्टर लूथर ने एज से कही थी। और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए एज ने कहा कि डॉक्टर लूथर ने ये बात एज को इसलिए बताई थी क्योंकि डॉक्टर लूथर चाहते थे कि ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच हो, जो बात तो डॉक्टर लूथर ने एज को यूं ही समझा दी थी। पर यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए एज ने कहा कि एज के लिए ये चीज एक लाइफ लॉन्ग लेसन थी कि हमें किसी भी मैच में वो मैच बहुत ही बढ़िया करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो डॉक्टर लूथर ने कही गई चीज एज के लिए एक लाइफ लॉन्ग लेसन बन चुकी है, क्योंकि इसके बाद एज भी समझ चुके थे कि एज को अपने मैचेस को बढ़िया करने के लिए मैच की सबसे बढ़िया चीज मैच के आखिर तक बचानी चाहिए। और प्रोबेबली इसीलिए हमें एज के मैचेस बहुत ही बढ़िया मैचेस दिखाई देते हैं। पर यही एक स्टोरी थी जो कि एज ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है कि कैसे उन्हें ऑल इलीट रेसलिंग के एक सुपरस्टार से एक लाइफ लॉन्ग लेसन सीखने को मिला। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि कब और कैसे हुआ था कोडी रोड्स को हार्ट अटैक। तो गाइस ये चीज सुनने में बहुत ही वियर्ड है कि किसी एथलीट को हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि एथलीट्स फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और गाइस यहां पर माना ऐसा जाता है कि जो लोग फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता। पर यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए ऑल इलीट रेसलिंग के CEO कोडी ने बताया कि गाइस कोडी को भी हार्ट अटैक आ चुका है और कोडी को ये हार्ट अटैक किसी नॉर्मल जगह पर नहीं बल्कि एक मैच असल करते समय आया था, जो बात कोडी ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में बताई है। और यहां पर बात करते हुए कोडी ने कहा कि जब ऑल इलीट रेसलिंग में कोडी और MJF की राइवलरी चल रही थी और जब MJF ने कोडी को MJF को फेस करने के लिए 3 शर्तें रखी थी, तब उन 3 शर्तों के अंदर एक शर्त ये भी थी कि गाइस कोडी को MJF के बॉडीगार्ड वर्डलो के अगेंस्ट एक मैच असल करना पड़ेगा और ये मैच एक नॉर्मल मैच ना होकर एक स्टील केज मैच होने वाला है। जिस मैच के बारे में बात करते हुए कोडी ने कहा कि कोडी को उस मैच में हार्ट अटैक आया था और कोडी ने कहा कि जब कोडी इस मैच में स्टील केज के ऊपर खड़े थे, तब कोडी ने स्टील केज के अंदर वार्डलो के ऊपर एक मूनसॉल्ट लगाई थी, जो मूनसॉल्ट दिखने में तो बहुत ही डेंजरस थी और वहां पर उस मूनसॉल्ट से कोडी को नुकसान भी हो चुका था कि उस मूनसॉल्ट की वजह से कोडी के पैर के अंगूठे का नाखून निकल गया था। पर यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए कोडी ने कहा कि वो मूनसॉल्ट करने के बाद कोडी को एक टेंपरेरली हार्ट अटैक आया था, जो हार्ट अटैक काफी डेंजरस भी हो सकता था, क्योंकि गाइस हमने पहले भी देखा है कि एक रेसलिंग मैच में एडी गरेरो को हार्ट अटैक आया था और उसी हार्ट अटैक की वजह से एडी गरेरो की डेथ हो चुकी थी। पर यहां पर कोडी ने बताया कि फॉर्चुनेटली कोडी का हार्ट अटैक बहुत ही माइनर था, जिससे कि कोडी को इस मैच को खत्म करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आई। पर बैकस्टेज में जाने के बाद डॉक्टर्स ने कोडी को बताया था कि कोडी को इस मैच के दौरान एक हार्ट अटैक आया था, पर ये हार्ट अटैक बहुत ही माइनर था इसलिए कोडी को इसकी भनक नहीं लगी। पर अगर वहां पर चीजें गलत हुई होती तो गाइस हम पॉसिबली आज कोडी को नहीं देख रहे होते, जो बात कोडी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इलीट रेसलिंग को अपने सुपरस्टार की हेल्थ के साथ और भी ज्यादा केयर करनी चाहिए, जिससे सुपरस्टार्स को एक मैच के दौरान नुकसान ना हो। पर गाइस आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए इतनी अपडेट्स थी और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। हे, डिड यू लाइक दैट वीडियो? क्लिक द स्क्रीन फॉर मोर। And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?